तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, इफ वेक्टर ए, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर सो डैट सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये ब्रैकेट में है, इक्वल टू जीरो, ये हमको प्रूव करना है। अगर ये ए बी सी तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है, फिर हमको इसमें इसका कन्वर्स भी प्रूव करना है कि क्या ये कन्वर्स ट्रू है या नहीं, ट्रू है तो कैसे और फॉल्स है तो कैसे, ठीक है, मतलब कन्वर्स सही है या नहीं ये हमको बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में हमको गिवन दिया हुआ है कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, परपेंडिकुलर है सी वेक्टर के, मतलब तीनों क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ऐसा क्वेश्चन में दिया, मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। हमको प्रूव करना है ये सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ए क्रॉस बी निकालते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्या होता है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी होता है ए बी साइन थीटा एन कैप, मतलब क्या ए और बी वेक्टर को हम क्रॉस कर रहे हैं तो हमको एक वेक्टर प्रोडक्ट मिल रहा है जो क्या है ए वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ए और बी जिस प्लेन में है उस प्लेन के परपेंडिकुलर हमको एक नया वेक्टर मिल गया जिसका मैग्नीट्यूड ए बी साइन थीटा है, उसका डायरेक्शन एन कैप है जो इसके परपेंडिकुलर है, मतलब हम मान के चलते हैं कि ये एक हमको नया वेक्टर मिल गया डी वेक्टर, ठीक है। जैसे सपोज करते हैं कि ए वेक्टर अगर हमारा ये है और ए और बी आपस में भी परपेंडिकुलर है, ये बी वेक्टर है, तो हमको जो ये जो डी वेक्टर मिला है वो इस दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये समाव हमको ये मिला हमको डी वेक्टर, क्लियर है। इस डायग्राम को और दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, ये हमारा ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, इस दोनों के बीच हम दिखा रहे कि ये 90 डिग्री है, तो हमको जो ये जो डी वेक्टर मिला है इस तरह से ले लेते हैं कि ये जो डी वेक्टर है वो इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर, मतलब इस दोनों के परपेंडिकुलर हमको डी वेक्टर हमको नया मिल गया, क्लियर है। क्योंकि ए क्रॉस बी में ऐसा होता ही है कि एक ए बी साइन थीटा एन कैप, मतलब हमको जो नया वेक्टर मिलता है वो इस दोनों को परपेंडिकुलर मिलता है। डायरेक्शन कैसे निकालते हैं कि किस डायरेक्शन में, उसके लिए राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं, जैसे ए क्रॉस बी कर रहे हैं ए से बी की तरफ की जो थंब जो आपको बता रहा है वो आपको नए वैक्टर का डायरेक्शन मिलेगा। ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो इस प्लेन के परपेंडिकुलरली आउटवर्ड इसका डायरेक्शन हो गया, मतलब जो नया वैक्टर हमको मिला, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि डी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। डी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर ए और बी जिस प्लेन में है उसके परपेंडिकुलर आया, इसका मतलब ये हुआ कि डी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के और डी वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, मतलब दोनों के परपेंडिकुलर है। और हमको गिवन है कि ए और बी के परपेंडिकुलर कौन है, सी वेक्टर, क्या गिवन है कि सी वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर है ए वेक्टर के और सी वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर के, हमको ये गिवन में ही दिया हुआ। इसका क्या मतलब समझे, ए और बी के परपेंडिकुलर डी वेक्टर है, ए और बी के परपेंडिकुलर ही सी वेक्टर है, मतलब बात समझ में आ रहा ना, ए बी के परपेंडिकुलर डी वेक्टर भी है और ए बी के परपेंडिकुलर सी वेक्टर भी है। इसका क्या मतलब, सी वेक्टर कहाँ हो सकता है, सी वेक्टर या तो डी वेक्टर के अलोंग हो सकता है या वर्टिकली अपोजिट हो सकता है, मतलब जस्ट अपोजिट हो सकता है ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। या तो सी क्या होगा डी वेक्टर के पैरेलल होगा या तो सी डी वेक्टर के क्या होगा एंटी पैरेलल होगा, तो इस दोनों केस में सी इस दोनों के परपेंडिकुलर है, ऐसा ही हमको बोल रहा है कि सी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर हमको गिवन में दिया है और ए बी के परपेंडिकुलर ही दिया है, तो दिस शोज दैट क्या
कि डी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल। मतलब डी वेक्टर और सी वेक्टर या तो पैरेलल है या एंटी पैरेलल है, दोनों में से कोई भी केस। अब हम दोनों केस को लेकर के आगे जो हमको प्रूव करना है वो करते हैं। जैसे सपोज करते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है, सी वेक्टर क्रॉस ए क्रॉस बी करना है, ठीक है। तो सी वेक्टर क्रॉस ए और बी को क्रॉस कर रहे थे, हमको डी वेक्टर मिला है, तो ये डी वेक्टर, इस दोनों का हम क्रॉस करेंगे तो क्या लिखेंगे, सी डी साइन थीटा, है ना। तो ये साइन थीटा जो आएगा प्लस में इसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन लिखे तो एन कैप, ये जो साइन थीटा आ रहा है तो यहाँ पर हमको एंगल चाहिए इस दोनों के बीच में, इसके इसके बीच में एंगल क्या है, तो देखो क्या लिखेंगे, सी डी साइन, अगर पैरेलल हुआ तब तो जीरो डिग्री हो गया, साइन जीरो डिग्री, ये तब जब सी और डी पैरेलल हो, व्हेन सी एंड डी आर पैरेलल, ठीक है। इस केस में क्या आ जाएगा, ये साइन जीरो क्या होता है, जीरो डिग्री, मतलब ये जीरो हो जाएगा, या फिर यहीं पे क्या कहानी बन जाएगा, सी डी साइन 180, ये 180 कब लिखेंगे, जब क्या हो एंटी पैरेलल हो। इस केस में भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, आया समझ में। एक चीज तो हम प्रूफ कर दिया, जो फिर से हम देखते हैं क्या किया है, ये हमको गिवन दिया हुआ था, ए क्रॉस बी हम सबसे पहले किए क्योंकि ब्रैकेट में यही था, तो इसको हम सॉल्व किए ए क्रॉस बी, तो ए बी साइन थीटा एन कैप आया, जिसको ये एक नया वेक्टर है जिसको हम मान के चले डी वेक्टर। डी वेक्टर जो होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट में जो नया वेक्टर आता है वो उस दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर आता है, इसका क्या होता है, डी वेक्टर परपेंडिकुलर है ए और बी जिस प्लेन में है उसके। तो डायग्राम हम दिखा रहे हैं, डी वेक्टर इधर हुआ, अगर ए वेक्टर ये है बी वेक्टर ये है तो डी वेक्टर हमको ये मिला, ठीक है। तो वही चीज हम यहाँ लिखे, डी वेक्टर परपेंडिकुलर ए के, डी वेक्टर परपेंडिकुलर है बी के, और हमको गिवन है कि ए और बी के परपेंडिकुलर सी वेक्टर है, सी वेक्टर ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर है। तो सी वेक्टर अगर इस डायग्राम में देखें कहाँ होगा, तो सी वेक्टर या तो ये होगा या तो ये होगा, कोई भी एक डायग्राम अगर समझ में आ रहा तो हम लोग समझ सकते हैं। तो कुल मिला के ये इस बात, ये जो चारों सेंटेंस है इससे यही पता चल रहा है क्या, कि डी वेक्टर और सी वेक्टर या तो पैरेलल है या तो एंटी पैरेलल है। पैरेलल होगा तो दोनों के बीच में एंगल जीरो डिग्री होगा, यहाँ पे क्रॉस करेंगे तो साइन जीरो जीरो हो जाता है। एंटी पैरेलल होगा तो 180 डिग्री होगा, तो उस केस में भी वो साइन 180 जीरो होता है। कुल मिला के ये क्रॉस ये बराबर जीरो, ये हमारा वेरीफाइड हो गया। ओके, अब सेकेंड पोर्शन में जो दिया हुआ है कि क्या कन्वर्स ट्रू है, मिटाते हैं फिर उसको बताते हैं, आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए, ठीक है। अब इसका कन्वर्स ट्रू है या नहीं ये हमको दिखाना है। तो कन्वर्स ट्रू है या नहीं इसके लिए हमको क्या करना होगा, एक एक हम देखते हैं, पहले मिटा लेते हैं। सेकेंड पार्ट, कन्वर्स ट्रू है या नहीं, कन्वर्स ट्रू है या नहीं इसका क्या मतलब, कहना चाह रहा है कि अगर हमको ये दे दिया, मतलब C वेक्टर क्रॉस A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये ट्रू है बोल रहा है, तो क्या अगर ये ट्रू है तो क्या A वेक्टर परपेंडिकुलर B वेक्टर परपेंडिकुलर C वेक्टर ये होना जरूरी है। कन्वर्स में हमको ये प्रूव करें, जैसे अभी फर्स्ट पोर्शन में क्या था, ये दिया हुआ था तो ये हम प्रूव किए, अब की बार हमको बोल रहा है कि ये लेना है, कन्वर्स का मतलब ये आप सही मानो तो प्रूव करो कि क्या ये जरूरी है या नहीं,
ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि देखो ये बराबर जीरो है, इसका क्या मतलब, ये इंटू ये जीरो है। ये कब जीरो होगा, जब ये और इसके, जैसे ये एक वेक्टर आएगा, इस दोनों के बीच में या तो एंगल जीरो डिग्री हो या तो एंगल 180 डिग्री हो। इस केस में इसका क्रॉस और इसका क्रॉस जीरो होगा, लेकिन इस दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री ही हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे लेट करते हैं, लेट एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी थीटा, कोई भी एंगल अदर देन 90 डिग्री थीटा ले लिए, ए क्रॉस बी करो, क्या हो जाएगा, ए बी साइन थीटा एन कैप, जिसको हम एक नया वेक्टर का नाम दे देते हैं। ये हमको एक नया वेक्टर मिला, सपोज करते हैं कि एम वेक्टर मिला। तो ये जो एम वेक्टर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा ए और बी जिस प्लेन में है उसके। एम वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एम वेक्टर क्या है, ए और बी जिस प्लेन में उसके परपेंडिकुलर, इसका क्या मतलब, एम वेक्टर परपेंडिकुलर हुआ ए वेक्टर के और एम वेक्टर ही परपेंडिकुलर हुआ बी वेक्टर के। ठीक है, ठीक है। और हम इसमें ये लेके चलते हैं कि सी वेक्टर जो है वो ए और बी के परपेंडिकुलर है, वी एज्यूम, हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि सी वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर ए वेक्टर के और सी वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर की, ये हम मान लेते हैं। ये एक चीज हम परपेंडिकुलर माने हैं, बट ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर ये हम नहीं माने हैं। तो इस कंक्लूजन से क्या मिलेगा, एम और सी क्या हो जाएगा, एक दूसरे के पैरेलल होगा या एंटी पैरेलल। कैसे, डायग्राम में देखो, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ए क्रॉस बी करेंगे तो परपेंडिकुलर आएगा, दैट इज एम वेक्टर। तो यहाँ पे इस दोनों के बीच में एंगल थीटा है, बट ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके ही परपेंडिकुलर। सी वेक्टर इस दोनों के परपेंडिकुलर है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब ये हुआ ए के भी परपेंडिकुलर है और बी के भी परपेंडिकुलर है। इसका क्या मतलब कि सी वेक्टर या तो इसके क्या होगा, पैरेलल होगा या तो सी वेक्टर इसके एंटी पैरेलल, सेम पीछे जो हम कहानी लिखे थे। तो इस स्टेटमेंट से ये समझ में आ रहा है क्या चीज, कि सी वेक्टर एंड डी वेक्टर आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। अब इस दोनों केस में क्या हो जाएगा, साइन जीरो हो या साइन 180 डिग्री हो, दोनों का क्रॉस जीरो होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सी क्रॉस डी हम करें सी डी साइन जीरो डिग्री, तब जब ये क्या हो, पैरेलल हो, तो भी जीरो हो जाएगा। सी क्रॉस डी हम कर रहे हैं सी डी साइन 180 डिग्री अगर एंटी पैरेलल है, तो इस केस में साइन 180 जीरो। इसका क्या मतलब, सी क्रॉस डी जीरो, इससे ये प्रूव होता है, मतलब क्या, सी क्रॉस डी का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी जीरो। पास मारा, तो ये जीरो हुआ, कब जीरो हो गया जी, जब ए और बी के बीच में क्या है, 90 डिग्री नहीं कोई थीटा है, तो मतलब ए और बी थीटा हम लिए हैं अदर देन 90, उसके बाद भी ये चीज वेरीफाई हो गया। इसका क्या मतलब, कन्वर्स हमारा ट्रू नहीं है। तो कुल मिलाकर हम ये लिख रहे हैं, दिस इज वैलिड, ये शायद दिखेगा नहीं आपको, तो हो तो गया, समझ में आ रहा ना, ये वैलिड है तब भी जब ए और बी के बीच में थीटा डिग्री है। इसका मतलब कन्वर्स क्या है, रॉन्ग है। इसका मतलब कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ओके,